नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कहानियां गढ़ने के बारे में। कहानियां गढ़ने के बारे में खास चीज ये है कि हमें स्कूल के जमाने में लिखना तो सिखाया जाता है, मगर उसे सिखाने का तरीका ये होता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है या एक विषय दे दिया जाता है, फिर उस पर आप अपने तर्क करते हैं, या तो उसके पक्ष में लिखते हैं या फिर उसके विपक्ष में बातें कर रहे होते हैं। असल में कहानियां जब सुनाई जाती हैं, या जिसे किस्सा गोई, दास्तान गोई कहते हैं या कथा वाचन कहते हैं, वो भावना प्रधान होता है। भावनाओं के जरिए हमने कहानियां लिखना तो सीखा ही नहीं। अगर आप लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस तरह की कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो या ऑडियो के माध्यम से ऐसी कहानियां लेकर सामने आते हैं, तो ये सारे लोग इस विधा के कोई जन्मजात एक्सपर्ट नहीं होते, ये उनमें कोई पैदाइशी गुण नहीं होता। ये सारी चीजें उन्होंने अभ्यास से लगातार कोशिश करके सीखी होती हैं। तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग इसे ट्रायल एंड मेथड से सीखते हैं। ये विधा सीखी जा सकती है। अंग्रेजी में जैसे क्रिएटिव राइटिंग की विधा होती है, वैसे ही हिंदी में कोई कलात्मक लेखन का अलग से विषय पढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इसे सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सीखा जा सकता है। कहानियां गढ़ते समय दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कथाक्रम। कथाक्रम यानी कि पहले एक घटना हुई, फिर उसकी वजह से कोई दूसरी घटना हो गई, फिर उसकी वजह से कोई तीसरी बात हुई, और इस तरह करके कहानी आगे चलती रहती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक कहानी गढ़ने की कोशिश करें तो शायद मेरी कहानी कुछ ऐसी होगी। अपने ही घर में दरवाजा कौन खटखटाता है? मैं अंदर आया, हेलमेट फ्रिज पर रखा, जूते उतारने लगा। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, अजीब सा सन्नाटा था। मैं आगे बढ़ा, बाईं तरफ मुड़कर मैंने किचन के अंदर झांक कर देखा। वहां लाइट नहीं जल रही थी, कोई भी नहीं था। अंदर बेडरूम से रोशनी आ रही थी, मगर वहां भी कोई नहीं था। तभी बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई, शायद अंदर कोई था। मिली, मैंने आवाज लगाई। चलिए अब हम लोग कहानी को यहीं रोकते हैं और ये देखते हैं कि अभी हमने किया क्या। हमने आपको घटनाएं एक सिलसिलेवार ढंग से एक क्रम में सुनाई। इस क्रम में सुनाने में पहले एक व्यक्ति घर में घुसता है, वो बताता है कि अपने घर में दरवाजा नॉक करने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो वो सीधा अंदर चला आया है। अंदर चले आने की वजह से उसे पता चल रहा है कि घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, अजीब सी खामोशी छाई हुई है। जब वो खामोशी की वजह जानने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि किचन में भी कोई नहीं है, बेडरूम में भी कोई नहीं है। इस सारे प्रयास में उसे फिर एक घटना पता चलती है, यानी कि बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज, और वो उस पर ध्यान देता है। यहाँ जो दूसरा काम मैंने किया है वो ये है कि ये कहानी सुनाते सुनाते हमने आपको उस मकान का नक्शा बता दिया है, उसमें चीजें कैसे रखी हुई हैं ये बता दिया है जहां पर हमारी कहानी घटनी है। मतलब दरवाजे से अंदर घुसते ही फ्रिज रखा हुआ है जिस पर वो अपना हेलमेट रखता है। ऐसे ही हमने ये बता दिया है कि वहीं कहीं जूते खोलने की जगह है। पहला कमरा ड्राइंग रूम है, वहाँ से बाईं तरफ घर का किचन है, फिर आगे बढ़ के कहीं बाथरूम है, बेडरूम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, घर का नक्शा, घर का डिज़ाइन, और दो पात्र यानी एक पुरुष और एक स्त्री मिली नाम की, इनका पता आपको चल गया है। तो बकायदा मैंने बताया नहीं कि इस कहानी में एक पुरुष होता है, एक स्त्री होती है, जो एक घर में रहते हैं जो छोटा सा है, शायद 1 BHK फ्लैट है। तो ये सारा बोरिंग स्टाइल में बताने के बदले मैंने आपको एक ऐसे सिलसिलेवार ढंग से बताया जिसमें एक एक करके घटनाएं होती गईं और आपको घर का नक्शा, कहानी के पात्र कुछ इस तरीके से पता चल गए जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहा जा सकता। इस तरह की कहानियां सुनाना या इस तरह से एक कारण से दूसरा कारण निकलना कारण माला अलंकार कहा जाता है, और आप इसे भगवत गीता में भी देख सकते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय उठाइए तो 62वें
और 63वें श्लोक में आपको ये कारणमाला अलंकार दिख जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषूपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मोटे तौर पर इसका मतलब होता है विषयों का चिंतन करने पर उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति पैदा होने से कामना पैदा होती है, कामना के पूरे न होने से क्रोध आएगा, क्रोध में सम्मोह की स्थिति यानी मूर्खता वाला भाव आ जाता है जिससे आपकी स्मृति चली जाती है, स्मृति के चले जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। तो एक कारण, फिर एक कारण से दूसरा कारण, दूसरे कारण से तीसरा कारण, इस तरह कारणमाला अलंकार चलता गया और यही एक कारण से दूसरे कारण हमने अपनी कहानी में भी देखा था। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आपको ये बताता है कि आप ये कहानी देख या सुन क्यों रहे थे। कोई ना कोई वजह तो होगी ना जिसकी वजह से आपने ये कहानी पूरी देखी या पूरी सुनी। अगर आज के सोशल मीडिया के दौर की बात करें तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो सिर्फ 45 सेकंड का होता है। अगर शुरुआती 45 सेकंड में उनका ध्यान आकर्षित करने में आप कामयाब नहीं हुए तो वो कहीं आगे निकल जाएगा, स्क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, फेसबुक या आपके सोशल मीडिया से उठकर के और किसी दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पिछली कहानी पर आए तो हमने एक कौतूहल पैदा किया, एक सस्पेंस क्रिएट किया कि भाई घर में इतना सन्नाटा क्यों है, सन्नाटे की वजह क्या है, कौन से और पात्र थे जो घर में होने चाहिए मगर नहीं थे जिनकी वजह से ये खामोशी छाई हुई है। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप पाठकों को, दर्शकों को या अपने श्रोताओं को अपनी कहानी में बांधे रखते हैं। तो ये दो मुख्य चीजें थी जो एक कहानी गढ़ते समय देखी जाती है। इसके अलावा एक कहानी के लिए और क्या क्या करना पड़ता है अब हम लोग इस पर चलते हैं। अब हम लोग कहानी के दो महत्वपूर्ण हिस्से जो थे वो देख चुके। अब इससे आगे बात आती है प्रकाशित करने की और यहाँ थोड़ा सा बेरहम होना पड़ता है। बेरहम इसलिए क्योंकि आप जो कहानियाँ चुनकर लाएंगे वो हर एक कहानी अच्छी हो, सुनाने लायक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जब वो घटना घटती हुई आप देखते हैं तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत रुचिकर लगती है, लेकिन उसी को जब आप लिखने बैठेंगे तो वो उतनी अच्छी लिखी नहीं जाती। उसी को अगर आप सुनाने बैठेंगे तो हो सकता है आवाज़ में उतना दम ना हो सकता है वीडियो उतना अच्छा ना बने। तो ऐसा कई बार होता है कि आपकी कहानी को आपको छोड़ देना पड़ता है। तो कभी कभी कहानी को छोड़ना भी सीखिए, थोड़ा बेरहम बनिए। ज़्यादातर ऐसा होगा कि जब आप 10 कहानियाँ चुनकर लाएंगे तो उसमें से प्रकाशित करने लायक शायद 4 या 2 कहानियाँ आपको मिलेंगी। 10 में से 6 या 8 कहानियों को आपको छोड़ देना पड़ेगा या कभी बाद के लिए बचा कर रख लेना पड़ेगा। प्रकाशित करने के लिए जब आप अच्छी और बुरी कहानियों को अलग अलग करते हैं तो आपको फौरन ये समझ में आ जाएगा कि आप किन विषयों पर अच्छे हैं। हो सकता है आप खोजी कहानियां लेकर आते हो सकता है आप इतिहास या संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ कहानियां ज़्यादा अच्छी सुनाते हो, कला में आपकी रुचि हो, संगीत में हो, धार्मिक कथाओं में हो, कोई भी आप देखेंगे कि 2 या 4 विषय ऐसे थे जिनमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, उन पर कहानियाँ आप प्राकृतिक रूप से ज़्यादा बेहतर सुना रहे होंगे। तो अपने विषय चुनना भी सीखिए। कुछ खास चीज़ें होंगी जिन पर आप बात कर सकते हैं, कुछ विषय ऐसे होंगे जिन्हें दूसरों के लिए भी छोड़ा जा सकता है, तो ये करना भी सीखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अंतिम चीज या अंतिम बिंदु जो कहानियां सुनाने के बारे में है और जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है नकल करना। नकल करना कैसा होता है इसे अगर समझना है तो मेरे ही उदाहरण से इसे समझा जा सकता है कि हम नमस्कार को अक्सर नमस्कार कहते रहे हैं। ये हुआ कैसे? बहुत आसान है। हमें अमिताभ बच्चन पसंद था और वो अक्सर नमस्कार के बदले नमस्कार कह रहे हैं।
हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन ने कभी चुपके से उसकी नकल कर ली, ना कोशिश करने के बावजूद ये रिकॉर्डिंग में नजर आ जाता था। रिकॉर्डिंग में नजर आने पर मेरा ध्यान गया कि भाई ये चीज हो रही है, कुछ और लोगों ने ध्यान दिलाया कि ऐसा हो रहा है, आपका उच्चारण बहुत सही नहीं है या अच्छा नहीं है। तो फिर हमने दोबारा कोशिश शुरू की और अब कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी आपको, नकल कितनी भी अच्छी हो वो ओरिजिनल से बेहतर तो हो नहीं सकती, और लोगों के पास आज जब ओरिजिनल मौजूद ही है तो भला वो नकल यानी आपके पास क्यों आएंगे। तो किसी और की नकल करने के बदले आप अपनी खुद की शैली विकसित कीजिए, अपनी खुद की बात अपने लहजे में सामने रखिए लोगों के, तो वो बेहतर होगा। इन 6 बिंदुओं के साथ आज की बात हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कहानी पर हमारे कुछ और वीडियो हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। हो सकता है कुछ और बातें जो शायद हमने इस वीडियो में ना की हो वो उनमें नज़र आ जाए। फिर मिलते हैं।